हमने चाहते हैं कि हमारे गांव का अगर अच्छा विकास कर नाली खरीदे की खराब है तो हमारे गांव में नाली नहीं करते। आदमी आना जाता है तो अगर अच्छे कपड़े पहने तो आप छिड़क जाए तो उस वजह से सड़कें पहले नंबर पर दिखता है। 400 मीटर 150 मीटर हमारे यहाँ जितना भोला भरा है तो बरसात में कोई आदमी नहीं निकल सकता है। अब वो नया प्रधान कल का बच्चा बना वो कहाँ से लगा देगा? बोले हम तो लड़के रहेंगे कहानी कहते हैं ना पूरी सुनता रहेगा। अगर कोई अच्छी ताकत से अगर हमारे गांव का विकास करा दिया जाए तो हमारे गाँव का मुख्यालय निकाल देगा। ग्राम पंचायतों में प्रधानों के लिए इतना फंड आता है, काम कराओगे तभी तो काम होगा। हाँ। जब आपको लाभार्थी को ये नहीं पता है कि हमें लाभ क्या लेना है। हाँ, भाई चक्कर ये रहा अध्यक्ष जी की अगर पीछे समय जो प्रधान बनते रहे अगर वो इसी विकास करते तो आज गांव की स्थिति बिगड़ सकती है। स्थिति नहीं है, पीछे से किया नहीं है तो कुछ लेकिन अब हम आपके साथ तो थोड़ा अगर आप लोग मदद करते हम आपको रोड दिखा देंगे कितना बोला भरा हुआ है। आज भी उनका अभी हमारे पास एक शिकायत आई थी कि जीएसटी को भी किया समाज की जितनी भी जीएसटी उसको भी बेचा गया है, उसमें भी मकान बने हुए खड़े बेच रहे हैं लोग। वो तो ये आपके गाँव की है जीएस में जो लैंड बने हैं जिसमें मकान बने हैं जो अभी जीएस लैंड बेची गई है। हाँ हाँ, इसमें आपने अभी तक कुछ किया? एक ही पहले मकान बने खड़े मकान बने खड़े आपने अभी तक कुछ किया? ग्राम प्रधान है क्यों नहीं किया आपने? हमारे संज्ञान में आप पहले बन चुके हैं मुकदमा भी कि 3 पंचवर्षीय से वो आज 10-15 साल है अक्षमान नंबर 316 है जो गांव सभा का उसमें बाहरी लोग अपने मकान बना के बन के रह गए। 3 पंचवर्षीय हो गए सभा निपटाने का 1 पंचवर्षीय हो गई पूरी फाइलें खुलवा दो उसकी पूरी जी सीधामों की हमें आप पूरा ब्यौरा दो कि सीधामो के अंदर जीएस लैंड कितनी है आपके पास। अगर एक बार अगर गांव का व्यक्ति जीएस में मकान बना के रह रहा हो तक अच्छी बात को बेचारा कहां जगह देंगे कि यहां तो मना लोगे और बाहरी लोग मठाधीश बाहरी लोग दो दो खंड के मकान आपकी एक लाइब्रेरी है आपके ग्राम समाज में जितनी जीएस लैंड है वो बेचारा।